This is a kind of most disastrous mantra, most dangerous mantra. कुछ दिन पहले मैं एक फंक्शन में गई। अब ऑफकोर्स एक ग्रुप जब खड़ा होता है तो बातें होने लग जाती हैं। अब वहां बातें चल रही थी कि मतलब एक लड़की बता रही थी कि वो कितनी बीमार है, कितने दिनों से बीमार है, उससे कुछ काम नहीं होता, थकी हुई रहती है, घर से बाहर निकलने में चिड़चिड़ी है। ट्रीटमेंट चल रहा था तो वहां पर एक और लेडी खड़ी हुई थी, उनकी बात सुनकर उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया कि अरे आपको तो सिर्फ इतनी प्रॉब्लम है, मुझे तो और मैं तो चल भी नहीं पाती हूँ, हाथ पैरों में दर्द रहता है, रात में नींद भी नहीं आती है। उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा था। तीसरे ने बोला, अच्छा नींद नहीं आती है? अरे वो हमारे फलाने फलाने को भी नींद नहीं आती थी, उनको भी यही प्रॉब्लम थी, उनको तो रात में ऐसा ऐसा अटैक आ गया। अब देखो आजकल कैसी कैसी समस्याएं हो जाती है, पता ही नहीं चलता किसी का। और ये सारे के सारे मिलके और भी इनके घरों में, इनके परिवारों में, दूर दूर से जहां जहां जिस जिसकी डेथ हुई है, अटैक्स आए, ये वो सब डिस्कस कर रहे थे। मैं सोच रही थी क्या जरूरत है इतना इसको डिस्कस करने की और इमोशनली उसको इतना चार्ज करने की। दिस इज अ काइंड ऑफ मोस्ट डिजास्ट्रस मंत्रा, मोस्ट डेंजरस मंत्रा। नाउ हाउ इट इज रिलेटेड टू द मोस्ट डेंजरस मंत्रा? सिंपल है, 595 का रूल फॉलो होता है। अब 595 का रूल क्या है? तो आगे बढ़ने से पहले अ वेरी वार्म वेलकम। मैं डॉक्टर अर्चना, अ लाइफ कोच, अ काउंसलर, एक एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, एक शैडो वर्कर हूँ, एक इनर चाइल्ड हीलर हूँ। आपके बिलीव्स और आपके माइंडसेट पे काम करती हूँ, क्योंकि हमारी लाइफ जो भी होती है वो हमारे बिलीव्स और माइंडसेट का सीधा सीधा रिफ्लेक्शन होती है। और लाइफ हर चीज दो बार क्रिएट होती है, तो अगर आपकी यहाँ की रियलिटी ज्यादा ठीक ठाक नहीं है, मतलब पहले वो यहाँ क्रिएट हुई थी और बाद में यहाँ क्रिएट हुई है, तो बाहर की रियलिटी अगर बदलनी है तो इनर वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं सबलिमिनल भी बनाती हूँ। वेल थैंक यू सो मच, आप लोगों को मेरे सबलिमिनल्स बहुत पसंद आते हैं और वो आप पर काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मुझे सबलिमिनल से रिलेटेड कुछ सच में इंपॉर्टेंट बात करनी है और चिंताजनक भी बात करनी है। अगर आप भी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करिए सबलिमिनल, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या आप सच में वो जानना चाहते हैं और मैं उस पर वीडियो बनाऊं। हाँ, अगर आपको मेरे फ्री अफर्मेशंस चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरी मदद चाहिए तो मेरा मैं आपसे सिर्फ एक ईमेल और व्हाट्सएप दूर हूँ। ईमेल और व्हाट्सएप दोनों आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपकी मदद के लिए मैंने एक अच्छी सी बुक लिख दी है जो पब्लिकेशन में है। जैसे ही वो पब्लिश होती है मैं आपको बताती हूँ कि इट्स लाइव, क्योंकि वहां पर एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, एक सीक्रेट फॉर्मूला कि कैसे आप अपनी सेल्फ इमेज पे काम करके एक ब्रांड न्यू यू पा सकते हैं, कैसे आप खुद को ब्रांड न्यू बना सकते हैं ईज के साथ, स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ। आपको उसका कवर पेज तो दिख ही रहा होगा। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, आप में से भी कुछ लोग कमेंट करके लिखते हैं कि अफर्मेशंस करते हैं, ये करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, सबलिमिनल सुनते हैं, पर खुश नहीं। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप ये चीज कितनी देर करते हो? फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जो दिन में सिर्फ 5% पूजा करता है, लेकिन 95% ऑफ द डे वो क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, कंप्लेन करता रहता है। तो आप मुझे बता दो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस चीज पे काम करेगा? आपकी कंप्लेन और क्रिटिसिज्म पे जो आप 95% कर रहे हो, या सिर्फ 5% जब आप अफर्मेशन और विजुलाइजेशन करते हो? लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस पे काम करेगा? तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए काम मत करो, आप अपने लिए काम करो, अपनी सेल्फ इमेज पे काम करो, अपने बिलीव्स पे काम। इट्स द इजिएस्ट वे टू चेंज योर लाइफ, क्योंकि जितनी भी बार आप कंप्लेन कर रहे हो, आपके सबकॉन्शियस पे, आपके पुराने बिलीफ सिस्टम पे एक और लेयर चढ़ जाती है कि हाँ हमारे साथ तो यही होता है, हम बहुत बीमार। अगर आप अपने आप को उस चीज से बचाना चाहते हो, खैर हो सकता है आप ऐसा बिल्कुल नहीं करते हो, लेकिन आपके आस पास के लोग वो ऐसा कर सकते हैं। सो इफ यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ कि अगर आप अपने अंदर बार बार कंप्लेन, क्रिटिसिज्म ये कर रहे हो, या आपके आसपास के लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, अगर ये चल रहा है, यू रियली नीड टू स्टॉप इट सीरियसली। और सच कहूं, जब मैं लोगों को 10K अफर्मेशन चैलेंज लेने को बोलती हूँ, उसका एक ये बहुत बड़ा रीजन है कि जब आप 10K अफर्मेशन चैलेंज ले रहे हैं, अब आपके दिन का कितना हिस्सा उस टास्क को करने में जा रहा है कंपैरेटिवली थिंकिंग नेगेटिव, थिंकिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स। तो आज का होमवर्क क्या है? सबसे पहले तो अपने आप को चेक करो कि आप 5% क्या कर रहे हो और 95% ऑफ द डे में क्या कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, चाहे ना चाहे नेगेटिव थॉट तो चालू ही हो जाते हैं दिमाग में, कैसे रोकें, तो 10K अफर्मेशन चैलेंज ले लो, साथ साथ सबलिमिनल सुनते रहना। क्योंकि अगर ये नहीं रोका तो जो भी कर रहे हो वो काम नहीं करेगा। Really a most dangerous mantra. I really want you to save yourself from it. मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक आप अपना और अपनों का अच्छे से ध्यान रखो। Thank you. Namaste.